लखनऊ में आयोजित एकल परिवर्तन कुंभ का आज समापन हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एकल परिवर्तन कुंभ के समापन समारोह में शामिल हुए। अभियान की प्रशंसा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एकल अभियान बहुत बड़ा राष्ट्रीय दायित्व निभा रहा है, आपको इसका अनुमान नहीं होगा। ये देश की बहुत बड़ी सेवा हो रही है, मैं पहले दिन से होता तो और अधिक गहराई से समझ पाता। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर ट्विटर पर माफी मांगी। अमर सिंह ने कहा कि स्टेज में जब जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूं, मैं अमिताभ जी और उनके परिवार से माफी मांगता हूं। अमर सिंह ने कहा कि आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है और आज ही के दिन मैं अमिताभ बच्चन जी का संदेश उन्हें मिला। जीवन के इस पड़ाव पर जब मैं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे अमित जी और परिवार के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए खेद है। ईश्वर सभी को आशीर्वाद दे। आपको बता दें कि 64 साल के अमर सिंह इन दिनों किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अपना चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 5,12,860 करोड़ 72 लाख का बजट पेश किया। बजट में 10,967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई। यूपी के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र भी किया। विकास के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए सुरेश खन्ना ने ये पंक्तियां पढ़ी। गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद की दीवारों तक, अंबर तक वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। बजट में अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की गई। साथ ही अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ दिए जाएंगे, जबकि तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था हुई है। इसके अलावा वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ दिए जाएंगे। बजट में पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यूपी बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए सरकार ने तोहफा दिया है। शुगर मिले अब किसानों से गन्ना 325 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदेंगे। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नव सृजित जिलों में अस्पताल बनेंगे। जिला अस्पतालों के लिए 70 करोड़ सेफाई पीजीआई को 309 करोड़ रुपयों का बजट प्रस्तावित है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए बजट है। ग्रामीण सीएचसी बेहतरी के लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। बजट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अच्छा बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बजट में हर किसी का ख्याल रखा गया। हमने युवाओं को लेकर यह बजट बनाया और उन्हें समर्पित किया। उत्तर प्रदेश को शिक्षा का केंद्र बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बालिकाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ इसी माह कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो सके, इसके लिए हमने बजट को आवंटित किया। प्रदेश में 2022 तक सभी को मकान मिले, इसके लिए प्रयास जारी है। सीएम योगी ने कहा कि केवल मूल किसान ही नहीं, बटाई वाले किसान भी बीमा की योजना का लाभ ले सकते हैं। कभी दुर्घटना में अगर वो मृत हो जाता है तो उसके परिवार को कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन इस बजट में ये प्रावधान किया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार के बजट को छलावा बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि यूपी सरकार का आज विधानसभा में पेश बजट जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ छलावा है। इस बजट से प्रदेश का विकास और यहां की 22 करोड़ जनता का हित कल्याण संभव नहीं है। यही बुरा हाल इनके पिछले बजटों का भी रहा। जन कल्याण के मामलों में बीजेपी कमजोर इच्छा शक्ति का परिणाम है। यूपी सरकार के आज के बजट में जो भी बड़े बड़े दावे और वादे किए गए, वो पिछले अनुभवों के आधार पर काफी खोखले, कागजी ही ज्यादा लगते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 3 मार्च को गैरसैंण में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और 4 मार्च को ही प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। 5, 6 और 7 मार्च को बजट पर चर्चा होगी। अब 4 दिन की जगह 5 दिन का यह सत्र होगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अप्रैल में देहरादून में आयोजित होने वाले वेलनेस समिट 2020 के लिए आज मुंबई में आयोजित रोड शो वेलनेस समिट 2020 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वेलनेस के लिए आध्यात्मिक वातावरण का होना बेहद जरूरी है। सीएम रावत ने कहा कि उत्तराखंड वेलनेस और आयुष क्षेत्र के निवेश के लिए दरअसल पसंदीदा स्थल बनकर उभर रहा है। इस दौरान उन्होंने कई इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। आगरा में ट्रंप के दौरे से पहले ताजमहल पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। इसी कड़ी में आज सीएम योगी ने ताजमहल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस बीच सीएम योगी के साथ पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक बुधवार को दिल्ली में आयोजित होगी। अयोध्या से ट्रस्ट के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। बैठक में मंदिर निर्माण की तिथि पर भी चर्चा की जाएगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण से पहले बाबरी पक्षकारों ने भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक खत भेजा। स्थानीय निवासी हाजी मोहम्मद सहित 9 लोगों के लिखे गए इस पत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन छोड़कर मंदिर बनाए जाने की मांग की है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने 67 एकड़ जमीन एक्ट के तहत ली थी, जो अब ट्रस्ट को दे दी गई है, जिसमें 4.5 एकड़ जमीन पर कब्रगाह है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि कब्रगाह पर मंदिर बनाया जाना सनातन धर्म के खिलाफ होगा। अयोध्या में युवती के साथ हुई दरिंदगी के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरती नजर आई। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष उनके मुकाद अली ने प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर डाली। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 3 दिवसीय मुरादाबाद मंडल के दौरे पर हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हस्तशिल्प दरअसल वो देखने के लिए लोहिया पंप पहुंची। यहां उन्होंने पीतल उत्पादों के लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत ये स्टॉल लगाए गए थे। राज्यपाल ने जैविक खेती करने वाले किसानों से मुलाकात भी की। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। परीक्षा में नकल रोकने के लिए शासन, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से जुटा है। परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी के लिए पहली बार वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में 56 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। इस बार परीक्षा में कई अहम बदलाव किए गए। बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने वाला कोई संगठित गिरोह सक्रिय न हो, इसके लिए एसटीएफ का भी कड़ा पहरा रहेगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राजधानी लखनऊ में सिल्वर जुबली कॉलेज परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बनाए गए राज्य स्तरीय एकीकृत मॉनिटरिंग सेंटर का भी जायजा लिया। दिनेश शर्मा ने कहा कि छात्र तनाव मुक्त होकर होलिका पर्व मनाए, इसके चलते होली से पहले परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि नकल विहीन परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश के परीक्षा केंद्रों की निगरानी कंट्रोल रूम के जरिए की जा रही है। हर कक्षा में सीसीटीवी रिकॉर्डर के साथ लगाए गए हैं। किसी भी कीमत पर नकल नहीं होने देंगे। मैनपुरी जिले में फर्जी तरीके से अपने छोटे भाई का एग्जाम देने गए एक शख्स को पुलिस ने डीएवी इंटर कॉलेज से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी अपने छोटे भाई की जगह एग्जाम देने की कोशिश कर रहा था। वहीं इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गौतम बुद्ध नगर में बड़ी संख्या में सिपाहियों के ट्रांसफर किए गए। कमिश्नर आलोक सिंह ने 106 सिपाहियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव कर तबादले किए। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार इतनी तादाद में सिपाहियों के तबादले किए गए। राज्य सरकार के 3 साल के विकास कार्यों को खोजने के लिए कांग्रेस 26 फरवरी को हल्द्वानी में लालटेन यात्रा निकालने वाली है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 26 फरवरी को सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हल्द्वानी में लालटेन लेकर त्रिवेंद्र सरकार के विकास कार्यों की तलाश करेंगे, जिसके तहत हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के नेतृत्व में तैयारियों को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि कांग्रेस अब जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरेगी। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल यहां डीएम के आदेश के बाद भी अधिकारी समाधान दिवस में समय से नहीं पहुंचे। हालांकि एसडीएम और तहसीलदार ने समाधान दिवस में पहुंचे फरियादियों की शिकायतें सुनी और विभागीय अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। कुमाऊं की सबसे बड़ी जबरानी बांध परियोजना के वित्तीय प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाले एडिशनल डेवलपमेंट बैंक की 6 सदस्यीय टीम ने 2 दिवसीय जमरानी क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला, नैनीताल जिलाधिकारी सहित सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच एडीबी की 6 सदस्यीय टीम की बातचीत हुई। इस दौरान स्थानीय प्रशासन के काम का पूरा डाटा एडीबी की टीम को सौंपा गया।
उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण आने वाली 22 फरवरी से कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने साफ कह दिया कि कार्य बहिष्कार करने के लिए अलग से विभाग को किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। वहीं परिवहन मंत्री ने वेतन न मिलने पर नाराज कर्मचारियों को जल्द वेतन दिए जाने का आश्वासन दिया। खटीमा में एक बार फिर खखरा नाले से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो गया। खटीमा राजस्व विभाग और नगर पालिका की ओर से यह अभियान छेड़ा जा रहा है और अतिक्रमण हटाने की शुरुआत इस्लामनगर और उमाऊ के वार्ड नंबर 7 की सीमा से की गई। वहीं एसडीएम निर्मला बेस्ट ने बताया कि बरसात और नाले में पानी ज्यादा होने की वजह से अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रभावित हो रहा था, जिसके बाद दोबारा यह अभियान चलाया जा रहा है और 20 दिन में यह अभियान पूरा कर लिया जाएगा। कुमाऊं का सबसे बड़ा हल्द्वानी नगर निगम एक बार फिर से हाउस टैक्स को लेकर सुर्खियों में आ गया। नगर निगम ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाउस टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर शहर में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां बीजेपी के मेयर से चुनावी वायदे को लेकर धोखा देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं मेयर अपना बचाव करने में जुटे हैं। कीर्तिनगर ब्लॉक के बिखराल गांव के ग्रामीण लंबे समय से इलाके में सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी फरियाद प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है। इसके बाद नाराज गांव वालों ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर अनशन शुरू कर दिया। गांव वालों की मांग है कि जल्द से जल्द बिखराल बरसिला मोटर रोड का निर्माण किया जाए। बिना सड़क के गांव वालों को काफी दिक्कतों से दो-चार होना पड़ता है। गांव वालों ने विभाग को चेतावनी भी दी कि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। हरदोई में जल निगम की लापरवाही सामने आई। अमृत जल योजना में खोदे गए गड्ढे में पाइपलाइन ठीक करने उतरे युवक के ऊपर मिट्टी गिर गई और उस शख्स के फिर शोर मचाने पर स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से फिर युवक को बाहर निकाला जा सका। फरुखाबाद जिले में शनिवार को पकड़े गए 4 संदिग्ध कश्मीरियों को जांच पड़ताल के बाद छूट दिया गया। चारों का आचरण जांच में सही पाया गया। खुफिया विभाग की सूचना पर पुलिस ने शनिवार को देर रात 4 संदिग्ध कश्मीरियों को पकड़ा था और सभी से गहन पूछताछ की। थाना कमलागंज के क्षेत्र शेखपुरू में 4 संदिग्ध युवक घूम रहे थे, इसी दौरान उनकी भनक खुफिया विभाग को लग गई। खुफिया विभाग की सूचना पर पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पता चला कि चारों युवक कश्मीरी हैं, वो मस्जिद के लिए चंदा वसूल रहे थे। देहरादून पुलिस ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का ड्राइवर बताकर कई लाख रुपयों की ठगी करने के आरोप में 2 युवकों को आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी 5 लाख में से बकाया 50,000 रुपयों की किश्त लेने पहुंचे थे। इन दोनों ने पीड़ित पक्ष को सरकारी विभाग में ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ये रकम ठगी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में तैनात वैद्य प्रकाश सिंह की बेटी सृष्टि की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सृष्टि के शरीर पर चोट के निशान भी मिले। सर पर 2 गहरी चोटों की वजह से सृष्टि की मौत हुई। वहीं परिवार ने बेटी की खुदकुशी की बात कही थी। परिवार ने गोली मारकर सुसाइड करने का दावा किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर गोली के निशान नहीं मिले। सृष्टि की सोमवार को विकासनगर स्थित घर पर संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य शेष नारायण मिश्रा के बेटे पर एक निजी अस्पताल में जानलेवा हमला किया गया। हमले में भाजपा नेता के बेटे अमित मिश्रा को गंभीर चोटें आई। भाजपा नेता के बेटे पर हमले की खबर से खलबली मच गई। घायल को जिला अस्पताल में फिर भर्ती कराया गया। 14 दिन पहले आगरा से किडनैप्ड फिरोजाबाद के वकील अकरम अंसारी को मुक्त करा लिया गया। सुरेंद्र गुर्जर गैंग ने वकील को आगरा राजस्थान की सीमा पर धौलपुर के बीहड़ में बंधक बनाकर रखा था। उसे यातनाएं दी गई। अपहर्त के खिलाफ परिजनों ने दरअसल 50 लाख रुपयों की फिरौती की परिजनों से मांग की गई थी। बात खुल जाने के बाद बदमाशों ने संपर्क भंग कर दिया। वकील को मुक्त कराना आगरा पुलिस के लिए एक चुनौती था। आगरा के इत्मादौला इलाके में छेड़छाड़ के एक मामले में कार्रवाई करने गई पुलिस के साथ कुछ बदमाशों ने दबंगी की। मामले की शिकायत फाउंडी नगर चौकी पर तैनात दारोगा मोहम्मद नसीब ने की। उनका कहना है कि वो अपने 2 साथी कांस्टेबलों के साथ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबिश देने गए थे। इसी बीच दबंगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान दारोगा के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं। फिलहाल इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से चाकूबाजी का सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे कानून व्यवस्था कटघरे में है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रोड पर सरेआम एक शख्स को दौड़ाया जा रहा है। उसके पीछे चाकू लेकर गैंगस्टर का भाई दौड़ रहा है। भीड़ वीडियो बना रही है। बदमाश चाकू से हमले किए जा रहा है। वारदात साहिबाबाद के पसौंडा इलाके की है और पीड़ित का नाम दरअसल आजाद बताया जा रहा है। आरोप है कि उस पर इलाके के ही रहने वाले गैंगस्टर के भाई ने हमला किया है। चाकूबाज आरोपी का नाम आरिफ भिंडी बताया जा रहा है। उस पर कई क्रिमिनल मामले पहले से दर्ज हैं। श्रावस्ती में फाइलेरिया की दवा
पीने से 6 बच्चे बीमार हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केवलपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को फाइलेरिया और एल्बेडाजोल की दवा खिलाई थी, जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई। रात में बच्चों को पेट में दर्द और उल्टी होने लगी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। काशीपुर क्षेत्र में देहरादून रोडवेज की बस से कुचलकर एक कांवड़िए की मौत हो गई। अपने साथी की मौत से गुस्साए कांवड़ियों ने काशीपुर में जाम लगा दिया। सड़क पर कांवड़ियों द्वारा जाम लगाने की जानकारी मिलने पर काशीपुर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृत कांवड़िए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद नाराज कांवड़ियों को मनाने की कवायद में जुट गए। इस हादसे में मारा गया कांवड़िया रुद्रपुर के खेड़ा का बताया जा रहा है। गोंडा देहात कोतवाली क्षेत्र के लौवा टेपरा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से पेपर देने जा रहे बाइक सवार फार्मी क्लास के छात्र की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर पुलिस चालक की तलाश में जुटी हुई है। अलीगढ़ में दो बाइक की टक्कर के बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट आगजनी पथराव हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मारपीट कर रहे लोगों को थाने ले जाने लगे तो एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें एसपी नेता पूरनमल प्रजापति और उनके बेटे और भाई घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान नेता के बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद ये लोग गुस्से में आ गए और एक बाइक में आग लगा दी। हंगामे के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और इसी को देखते हुए कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। बताया ये जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही पैसों को लेन देन को लेकर विवाद था। रायबरेली में लालगंज थाना क्षेत्र के कानपुर रायबरेली हाईवे पर सेम्बसी गांव के पास एक ट्रक में सुबह अचानक भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत करते हुए करीब 3 घंटे बाद आग पूरी तरीके से काबू पर पाया गया। ट्रक से जो सामान था वो मेडिकल और ऑटो पार्ट से संबंधित था। ट्रक इंदौर से सामान लेकर नेपाल जा रहा था। कानपुर के पनकी औद्योगिक क्षेत्र की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से दहशत का माहौल बना हुआ है। आग इतनी विकराल थी कि दमकल जवानों को आग पर काबू पाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ गई। फायर ब्रिगेड ने आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करवा दिया। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। चंद मिनटों में ही आग की लपटों से आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। कानपुर के बेलोहर इलाके में आगरा एक्सप्रेस वे पर एसयूवी कार और रोडवेज बस में टक्कर हो गई, जिसके बाद इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। आगरा से मुजफ्फरपुर जा रही ये गाड़ी डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में बस के जाने से सामने आ गई, कार से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हरिद्वार नसीबाबाद हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा रोडवेज बस और बाइक सवार में हुआ, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक बस मुरादाबाद डिपो की बताई जा रही है। संत कबीर नगर के एचआरपीजी कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कॉलेज के अंदर सम्मान समारोह को लेकर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों में जमकर मारपीट हो गई। पिछले साल पुलवामा में आतंकियों के खिलाफ चले ऑपरेशन में शहीद होने वाले मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता ढोंडियाल जल्द ही सेना की वर्दी में नजर आएंगी। आतंकी हमले में पति को खोने वाली निकिता ने अपने साहस को नहीं खोया। पति की शहादत के बाद वो परिवार की हिम्मत बनी, परिजनों को सहारा दिया। अब निकिता सेना में अफसर बन पति को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है। निकिता ढोंडियाल जल्द ही सेना में अफसर की भूमिका निभाती नजर आएंगे। उन्होंने सभी जरूरी परीक्षाएं पास कर ली है। बताया ये जा रहा है कि वो जल्द ही सेना ज्वाइन कर लेंगी। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर गोरखपुर डीआईजी रेंजर राजेश मौदक ने दौरा किया। डीआईजी ने सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर जानकारी ली, साथ ही आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के निर्देश भी दिए। वंदे भारत को 1 साल पूरा होने पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। ट्रेन के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचते ही डिप्टी सीटीएम हिमांशु शेखर ने गुलाब का फूल देकर यात्रियों का स्वागत किया। वंदे भारत के सफल संचालन का 1 साल होने पर पूरा रेल प्रशासन उत्साहित है।